सोमवार 6 अप्रैल को ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में सुबह सवेरे छापामारी की। इस क्रम में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर हरमू में छापामारी की। वहां से लगभग 25 करोड़ रुपए व कुछ गहनों की बरामदगी बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव का माहौल है, इस दौरान इतना भारी भरकम रुपए की बरामदगी सवाल उठा रहे हैं। चुनाव में रुपए का दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। गर्मी के तपिश के बीच राजनीतिक गलियारों में भी तपिश बढ़ा दी है। हालांकि अभी भी छापामारी का दौर चल रहा है और नोटों की गिनती मशीन से की जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के यहाँ से इतना नोट मिला है तो उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। ईडी हम लोगों को परेशान कर रहा है। यहाँ खर आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर में अगर ये कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है कि इतना करोड़ रुपया अगर मिलता है तो ये क्या बता रहा है? आप तो कोई प्रश्न ही ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कहूंगा सरकार से, विशेष रूप से कल्पना सोरेन से, भाई आप तो आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि उनके नौकर के यहाँ अगर इतना इनका निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतनी करोड़ रुपया बरामद होता है तो मंत्री के घर और मंत्री के सचिव बाकी लोगों के घरों में छापामारी होगा तो पता नहीं कितना करोड़ों टका मिलेगा तो यहाँ वहाँ रखा हुआ है। क्या लगता है सर, और भी धन कुबेर छुपे हुए हैं? निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतना करोड़ रुपया मिल रहा है इसका मतलब ही है कि और कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। अगर सबके घर ये छापा मारेंगे मंत्री के, उन नेताओं के जो एनडीए अलायंस के नेता है, जो बार बार जी भर के मोदी जी को जो गाली देते हैं, तो उनके घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट कैसे हम मार मिलेंगे।